कामना स्कूल में पढ़े ला आली बानी में कौन है स्कूल में आली बानी में जोर से बोलो आली बानी में हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल विथ अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से समझ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है, तो मैं आपको बताते चलूँ कि फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का होता है और वो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। उसको पूछा गया कि कहाँ पर पढ़ते हो, तो बोला कि आंगनबाड़ी में। तो आज हम लोग उसी लड़के से मिलने जा रहे हैं। हमें पता चला जहाँ तक कि वो गोपालगंज के ही रहने वाला है। तो मेरे एक दोस्त अमार भाई ने बताया कि वो गोपालगंज का ही रहने वाला लड़का है, तो आज हम लोग उसके पास जाएंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि अमार भाई को ही लेकर साथ में चला जाए, तो उसके पास जाने में उससे मिलने में और आसानी होगा। मैं और आदिल आए हैं लोग, आदिल अभी पीछे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी यहां से हम लोग जाएंगे गोपालगंज जंगलिया, और जंगलिया से अमार भाई को लेंगे, और उसके बाद से हम लोग तीनों निकलेंगे उस लड़के से मिलने के लिए। तो अमार भाई के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि अमार भाई भी एक यूट्यूबर है जिनका एक वीडियो का व्यू मिलियन में गया है। तो चलिए पहले उनसे मिलते हैं और उसके बाद से उनके बारे में अच्छे से बताएंगे, और तब फिर मिलेंगे उस लड़के से। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ गए हैं अमार भाई के पास और इनसे मिल लिए। अब यहाँ से हम गाइस कैसे हैं आप सब। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे उस लड़के के पास जो आंगनबाड़ी में पढ़ता है। तो अमार भाई उसके बारे में बताइए, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए मेरे व्यूअर को। जी मेरा नाम अमार अहमद और मेरा दो चैनल, एक टुडे ब्लॉग्स के नाम से और ऐसे प्रोडक्शन के नाम से। तो इनके चैनल को आप लोग जाकर सब्सक्राइब कीजिए। इनका जो पर्सनल चैनल है टुडे ब्लॉगर, इनके ग्रुप का मिलकर जो लोग बनाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्शन जिस पर इनका 12 लाख व्यूज़ गया है, तो आप लोग जाकर इनको भी सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम लोग निकलेंगे साथ में उस लड़के के पास और देखेंगे फिर लड़के से भेंट होती है या नहीं। तो चलिए अभी हम चलते हैं। बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे। जैसा कि हम आपको बता दें कि उसका रियल लोकेशन कहाँ पे है, तो मैं अभी आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं हरकुआ मिल है, और मिल के आसपास में ही उसका घर है। तो अगर आप लोग कभी मिलना चाहे तो यहाँ पे आके मिल सकते हैं, मिल के आसपास में ही उसका घर है। अभी हम लोग को जहाँ तक पता चला है, उसके गार्जियन से पता चला हमको कि वो आंगनबाड़ी में सच में पढ़ने गया है अभी। तो अभी वेट कर रहे हैं छुट्टी होने का, और उसके बाद से आप लोग से मिलाते हैं। तो मिलते हैं आगे हम उसका विशाल नाम है वैसे उसका, विशाल के साथ मिलते हैं आगे। तो चलिए अभी अमार भाई का एक दोस्त आए हैं, तो उनके थ्रू हम लोग मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं अंदर यहाँ पे, और आप देख सकते हैं वहाँ पे। और मैं आपको बता दें कि हम लोग उसके स्कूल में ही आए हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग उसके स्कूल में आए हैं जहाँ पे पढ़ाई करता है, और वो सामने बैठा हुआ है। तो फाइनली गाइस अभी आप सब देख सकते हैं कि उस लड़के से हमें मुलाकात हो गई है। तो बाबू क्या नाम है तुम्हारा? विशाल। विशाल हाँ। तो कामना स्कूल में पढ़े लो? आंगनबाड़ी में। कौन है स्कूल में? आंगनबाड़ी में। जोर से बोलो आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में कौन सिखाया तुमको बोलने के लिए? अपने सीख ले बनी। अपने से सीख ले बड़ा? हाँ। अच्छा कहाँ घर है? गोपालगंज। गोपालगंज हाँ। कौन है स्कूल में पढ़े लो? आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी में पढ़ता है इसको, यही है लड़का जो फेमस हुआ था, जिसका वीडियो फेमस हुई थी। तो और सब बताओ क्या नाम है, पढ़ने आए हो अभी? कहाँ पे आए हो? स्कूल है। स्कूल में। बाबू कितने साल से बोल रहे हो ये बात? ढेर दिन हो गए। ढेर दिन हो गए। कौन सिखाया तुमको? अंडक बेटा। कौन? अंडक बेटा। हाँ। और तुम बोलने लगा? तो गाइस जैसे आप सब देख सकते हैं कि यही लड़का है जो फेमस हुआ था, जिसका वीडियो आंगनबाड़ी वाला वीडियो इसी का फेमस हुआ था, और इसका रियल नाम विशाल है। क्या नाम है बाबू? विशाल। विशाल। तो फाइनली गाइस जैसे कि आप सबने देखा कि हम लोग ने उस बच्चे से मिल लिया जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, और उसके स्कूल के भी देखा है। तो आंगनबाड़ी में पढ़ता है, लेकिन कोई भी उससे पूछता है कि कहाँ पढ़ते हो, तो वो आंगनबाड़ी में बोलता है। तो हम लोग श्रीकांत भाई के रेफरेंस आए लो, जो अमार भाई के अपना दोस्त है। इन लोग का भी अपना चैनल है, जैसे कि आपने देखा ऐसे प्रोडक्शन इन लोग का चैनल है जिसपे लोग अपना वीडियो अपलोड करते हैं। श्रीकांत भाई इनको तो खैर आप देखे होंगे दुर्लभ में। दुर्लभ में ये कैरेक्टर निभाए, दुर्लभ के फादर का रोल यही किए हुए हैं,
तो आप जाके वीडियो बात कीजिए एक बार देखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो इस बच्चे का भी हेल्प कीजिए जो जिसका वीडियो इतना वायरल हो गया, लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके वीडियो से अच्छे से इनकम हो रहा है, लेकिन बेचारे इस लड़कों को कोई फ़ायदा नहीं, जिस तरह ना रहने के लिए, ना खाने पीने, किसी भी चीज़ का, मतलब हर चीज़ का इसका कमी है, थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। तो आप सब देख सकते हैं उसका, आप होलिया भी देखें और उसका स्कूल वस्कूल भी देखें आप सब। तो आप लोग इसका अगर आ रहे हैं यहाँ पे इसे मिलने के लिए, चाहे जो भी, तो आप लोग कोई भी आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसको सपोर्ट करें। और तो फिर आप सब देख सकते हैं कि हम लोग मिल लिए गाइस, जैसे कि अभी आप सब देख सकते हैं कि उस बच्चे का ये पापा है, तो इनका थोड़ा सा दयनीय स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है अभी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वो लड़का का वीडियो तो फेमस हो गया है, बहुत सारे लोग जो क्रिएटर है जो बहुत अर्निंग कर रहे हैं उसके वीडियो से, लेकिन आप देख सकते हैं उनके पापा का स्थिति। कुछ बोलना चाहते हैं? अरे गरीबी में और क्या, और मतलब कहाँ, यहीं पे पढ़ता आंगने पड़ी में? हाँ यहीं पर। और कहीं पे एडमिशन चाहे कुछ? ना कुछ नहीं। कहीं पे कुछ नहीं? ना यहीं पर सरकारी है। अच्छा, खाने पीने और रहने का सब गजन है? सब दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं पढ़ने का भी दिक्कत है बच्चों का, और रहने का, खाने पीने, हर चीज़ का दिक्कत है। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी देख रहे वीडियो को, तो आप लोग आकर प्लीज़ आप लोग इनका सपोर्ट करें, बहुत दयनीय स्थिति है इनका भी। तो वीडियो तो वायरल हो गया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इन लोग का। हाँ यही सब गजन है, रहने रहने खाने का गजन है थोड़ा। तो गाइस जैसा कि आप सबने उनके पापा से भी मिल गए, लड़के से भी मिले, उसके पापा से भी मिल गए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में, उस रात में मौजूद था जो तेरा है।